आप सब कैसे हो? मुझे लगता है आप सभी बहुत अच्छे हो। और गाइस थोड़ा सा परेशान तो होंगे क्योंकि लॉकडाउन जो है। अब गाइस इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने एंड्रॉइड डिवाइस में काफ़ी अच्छे कुछ वॉलपेपर, बल्कि वॉलपेपर डाउनलोड नहीं, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। वो कैसे, वीडियो पूरा देखना होगा, छोटा सा वीडियो, ज़्यादा टाइम आपको नहीं लूँगा, बहुत दिन के बाद वीडियो पब्लिश किए हूँ, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत ज़्यादा ही पसंद आएंगे। तो आइए बिना वक्त वाए वीडियो को शुरू करते हैं। एंड शुरू करने से पहले बता दूँ, वही आप सभी देख रहे हैं स्टार्क टेक्नोलॉजी एंड मैं हूँ आपके साथ हमेशा की तरह रोनी स्टार्क। तो चलिए फिलहाल वीडियो को शुरू करते हैं। अब गाइस सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग जैसे कि देख सकते हैं ये हमारा फ़ोन का स्क्रीन। एंड सबसे पहले एक चीज़, थोड़ा सा वीडियो के ऊपर ध्यान देना, जैसे मैं बोल दिया वीडियो का लिंक वहाँ पर है, डाउनलोड कर लीजिए एप्लीकेशन को, दौड़े चले गए डाउनलोड कर लिया, लेकिन पहले देख लो कहाँ से क्या करना है, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है वो एप्लीकेशन जो आप देख सकते हैं मेरे फ़ोन पर इंस्टॉल्ड है। बेसिकली ये जो एप्लीकेशन है ये आपको डाउनलोड करना होगा, एंड इसको ओपन करने के बाद आपको डेटा को ऑन करना है, चाहे वाईफाई हो चाहे मोबाइल डेटा हो, कुछ भी हो ऑन कर लीजिए। एंड उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि क्रिएट हो गए एंड क्रिएशन हो गए, तो आपको करना है क्रिएट पे क्लिक। अब गाइस यहाँ पे बात यह है, यहाँ पे जो वॉलपेपर मिलते हैं जो हमारे आँखों के लिए काफ़ी अच्छे हैं, हम डिस्ट्रैक्ट नहीं हो जाते, कौन सा एप्लीकेशन ढूंढ रहे हैं काफ़ी अच्छी तरीके से ढूंढ सकते हैं, एंड सारे के सारे कलर में हमें मिल जाते हैं। अब कभी कभार क्या होता है, हमारे पसंदीदार इंसान जैसे कि गर्लफ्रेंड हो गए, बॉयफ्रेंड हो गए, दोस्त हो गए, वो लोग बोलते हैं कि भाई मुझे ये कलर पसंद है, तो ये कलर जो है आप डाउनलोड करके उसे सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी तरह तरह के कलर सबको मिल जाते हैं, अपने हिसाब से अपने पसंदीदार कलर आप चूज़ कर सकते हैं। अब ऊपर की तरफ तीनों ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, यहाँ पर सॉलिड, ग्रेडिएंट एंड टेक्स्ट। तो यहाँ पर से आप जो है सॉलिड पे जाएंगे तो ऐसे मिल जाएंगे सॉलिड कलर पे वॉलपेपर, तो यहाँ पर से आप चूज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको शेड में वॉलपेपर मिल जाते हैं। एंड टेक्स्ट में जाएंगे तो मोटिवेशनल कुछ स्पीच आपको मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब बात करते हैं यहाँ पर क्रिएशन की, थोड़ा सा ध्यान अब देना। अब सॉलिड पे जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अपने हिसाब से, यानी प्लस बटन ये जो ऊपर वाला, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके हिसाब से वॉलपेपर सॉलिड कलर में चूज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे शेड में वॉलपेपर बनाएंगे, अब प्लस पे क्लिक करते हैं, जैसे ही ऊपर की तरफ प्लस बटन है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख लीजिए ये जो है हमें एक पेज प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पे आपको वॉलपेपर से मतलब क्रिएट करना होता है। अब यहाँ पर स्टिकर हो गए, कलर हो गए या फिर एडिट हो गए, सब कुछ आप आराम से कर सकते हैं। कलर पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ वॉलपेपर सिलेक्ट करने के लिए बोल रहे हैं, तो हम करेंगे ये प्लस बटन पे क्लिक, थोड़ा सा देख लीजिए। ओके, तो यहाँ पे देखने के बाद यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कि मैं चाहता हूँ मेरा ब्लू एंड येलो में हो जाए, तो यहाँ पर मैंने ब्लू कर दिए एंड सिलेक्ट, तो यहाँ पर देखिए दूसरा कलर यहाँ पर येलो कर दीजिए, ये हो गए। तो गाइस इस तरीके से ये ऊपर नीच बीच सब कुछ आप कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है एंड काफ़ी सही है, मुझे लगा काफ़ी अच्छा है, ठीक है गाइस। तो ये वॉलपेपर आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, एंड यहाँ पर से आप जो है स्टिकर वगैरह सब कुछ जो कि मतलब आपके हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं, लगा सकते हैं। भाई ये वॉलपेपर एप्लीकेशन गजब के है, मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोग चाहे तो एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। एंड यहाँ पर अगर आप चाहें, देखिए टेक्स्ट पे जाइए, यहाँ पर आइए एंड देन यहाँ पर से चूज़ कीजिए कलर, जैसे कि मैंने पहले किया था वैसे ही कर लीजिए। एंड उसके बाद यहाँ पे आप लोग फिर से दोबारा कलर, तो यहाँ पर जैसे कि मैं चूज़ कर लिया ये कलर को, इसको कर देते हैं। अब देखिए ये जो है, आप यहाँ पर इतना ही नहीं बल्कि काफ़ी तरह तरह के कलर आपको मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी है एंड दिखने में काफ़ी सही है। अब यहाँ पर ये जो है ऐड टेक्स्ट, यहाँ पे आप टेक्स्ट डाल सकते हैं, ठीक है, तो अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि वहाँ पर जो दिया हुआ है वही डाल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि आप डाल देंगे, जैसे आई एम हैप्पी, ओके, तो यहाँ पे जैसे डाल दिया एंड उसके बाद यहाँ पे ऐसे डालने के बाद ये देखिए ये जो है यहाँ पर आप अपने हिसाब से ये लैंग्वेज का जो स्टाइल है वो भी चेंज कर सकते हैं। गाइस आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हो, क्योंकि मैं पूरा मतलब डिक्लेयर करके आपको बता रहा हूँ ताकि आप लोग समझ सको, ओके, आप लोग अच्छे तरीके से इसको यूज़ कर सको। मैं भी चाहता हूँ भाई आप यूज़ करके मज़े लो, ताकि हमें भी अच्छे लगे कि हाँ सच में ये बंदा यूज़ कर रहे हैं, है ना।
तो यहाँ पे देखिए ये जो है काफ़ी अच्छी बात है एंड इसको इस तरीके से आप डाल सकते हैं जो कि काफ़ी सही है। तो हम लोग इसको ऐसे सेव करेंगे एंड सेव हो चुका है। यहाँ पर जो है एक ऐड, तो इसको हम लोग कर देंगे क्लोज़। तो गाइस वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, मैंने बोला था, तो यहाँ पे ख़त्म करेंगे, अप्लाई करेंगे एंड होम स्क्रीन पे ले जाएंगे एंड सेव जो है वो हो चुका है। अब देखिए ये जो है आई एम हैप्पी, इसको हमें बारीकी से सेव करना है ताकि ऐसे घूम ना जाए, ऐसे जो मैं कर रहा हूँ ना ऐसे ना हो जाए। इसके लिए आपको अच्छे तरीके से इसको सेव करना होगा। ओके गाइस, तो इसके लिए आपको जो करना होगा अपने वॉलपेपर सेटिंग में जाके इसको सेव करना होगा ताकि आप लोग अच्छे तरीके से उसको सेव कर सको एंड काफ़ी अच्छे तरीके से उसको यूज़ कर सको, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। मुझे बहुत अच्छा लगा ये वॉलपेपर के एप्लीकेशन, जो कि सॉलिड कलर में जो आते हैं वो काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐड अगर चलेंगे, आप लोग अगर यूज़ करेंगे आपने डेटा को तो ऐड तो चलेंगे भाई। ओके, तो थोड़ा बहुत ऐड देख लेना एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो काफ़ी बारीकी से, काफ़ी अच्छी तरीके से ये रन कर रहे हैं। तो मुझे दवा आप सभी को ये वॉलपेपर एप्लीकेशन पसंद आए होंगे। अगर पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक कीजिए। ओके, तो आइए मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक लिए आप सारे लोग बेहद खुश रहिए और कमेंट करके मुझे बताइए कैसा वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं, क्या प्रॉब्लम आपको हो रहा है। और बहुत ही जल्द हम लोग कैमरे से वीडियो शूट करेंगे जो कि काफ़ी अच्छे होने वाले हैं आप लोगों के लिए, काफ़ी अच्छे लगेंगे आप लोगों को, बेटर क्वालिटी देंगे। तो ये मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक लिए आप सारे लोग बेहद खुश रहिए एंड ज़रूर घर पर रहिए।